फेमिनिज्म यानी नारीवाद, यह विषय काफी कठिन एवं विवादित रहा है और अलग अलग लोगों ने इसे अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है, चाहे वह लेखक हो या फिर पॉलिटिशियंस। इनके लिए नारीवाद की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फेमिनिज्म के ऊपर एक निष्पक्ष यानी अनबायस्ड राय देने की कोशिश करेंगे। कई लोग तो यह दावा करते हैं कि हमारे समाज की स्थापना केवल पुरुषों के लिए ही हुई है एवं वे इसे हमारे एवोल्यूशन से जोड़ते नजर आते हैं, क्योंकि मेडिवल पीरियड में पुरुषों की ताकत ही उसके परिवार के सुरक्षा, खाना और आश्रय दिला सकती थी। उस समय शारीरिक क्षमता ही सब कुछ थी और जहां तक रही महिलाओं की बात तो उन्हें केवल घरेलू काम और बच्चों के देखभाल के योग्य समझा जाता। किंतु समय के साथ साथ हमारी तरक्की हुई एवं हमारे शारीरिक ताकत की जगह आज हैवी मशीनरीज ने ले ली है। पहले जिस काम के लिए लगभग 10 से 20 लोगों की आवश्यकता पड़ती, आज उसके जगह केवल एक मशीन ने ले ली है। और जिन्हें अब भी लगता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज एवोल्यूशन की देन है, तो उन्हें एवोल्यूशन का सही मतलब ही नहीं पता, क्योंकि मेडिवल पीरियड में हमारे शारीरिक ताकत की आवश्यकता थी तो हमने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। किंतु आज 21वीं शताब्दी में लोगों की शारीरिक ताकत तो लगभग किसी काम की नहीं, तो यही सही वक्त है हम महिलाओं को हमारे समाज का बराबर भार संभालने का मौका दे। और हम उन्हें यह मौका क्यों न दे। हमारा समाज ऐसा है कि लड़कों को तब कमजोर कहा जाता है जब वह परिस्थितियों को एक इमोशनल एंगल से देखता है, सरल भाषा में कहें तो जब वह रोता हुआ पाया जाता है, क्योंकि हमने यह धारणा बना रखी है कि लड़के रोते नहीं। हमने तो रोने धोने का काम लड़कियों को जो दे रखा है। फेमिनिज्म यानी नारीवाद कोई मूवमेंट नहीं बल्कि एक फीलिंग है। यह वह फीलिंग है जो सही मायनों में हमें मनुष्य कहलाने का हक देती है। यह एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम चीजों को नरमी से देख सकते हैं, प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, अपने आप को दूसरों से रिलेट कर सकते हैं। यह फीलिंग हमें किसी मायनों में कमजोर नहीं बनाती बल्कि जीवन को एक नए ढंग से देखने का नजरिया प्रदान करती है। जैसे कि भगवान शिव ने अपने अर्ध नारी रूप में बताने की कोशिश की है कि एक पुरुष बिना नारीवाद के अधूरा है। किंतु हमें क्या, हमें तो शिव के उस रूप की केवल पूजा करनी है, उस ज्ञान को थोड़ी ना अपने अंदर लेना है जो शिव हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज कई देशों में तो महिलाओं को वोट देने की आजादी तक नहीं, क्योंकि आज भी वह मॉडर्न समय में मेडिवल पीरियड के नियम से जीना चाहते हैं। हम हमेशा महिलाओं को एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह सिलाई बुनाई, खाना बनाना, संगीत इत्यादि का ज्ञान ले, क्योंकि हम उन्हें इसी काम के योग्य समझते हैं। अगर क्या हो, वो सिलाई बुनाई की जगह बॉक्सर बनकर मैरी कॉम की तरह अपने कुल का नाम रोशन करना चाहती हो, या फिर वो संगीत के जगह स्विमर बनना चाहती हो, तो क्या ये समाज को स्वीकार होगा। अगर आपने एक पल के लिए भी इस पर संदेह किया है तो आपको गंभीर आत्मचिंतन की आवश्यकता है। कई लोग तो यह सोचते हैं कि जब लड़कियां लड़कों के काम करेंगी तो लड़के क्या करेंगे। तो मेरा इस पर एक सीधा सा जवाब है कि काम पर किसी के जेंडर का ठप्पा नहीं लगता। जो उसके योग्य है वह उसे बखूबी कर सकता है। काम को तो जेंडर के आधार पर हमने बांटा है। फेमिनाजी, अब हम इसे कैसे भूल जाएं? हर एक चीज में एक नकारात्मक पहलू जरूर होती है और फेमिनाजी यही है। दरअसल फेमिनाजी का अपने आप में कोई मतलब नहीं, परंतु यह टैग उन एक्सट्रीम फेमिनिस्ट को दिया जाता है जिन्हें पुरुषों के हर एक काम से तकलीफ होती है एवं वह करती तो महिलाओं के समानता की बातें हैं परंतु उनका झुकाव नारीवाद के तरफ ज्यादा रहता है। अगर हमें एक बेहतर समाज की स्थापना करनी है तो प्रत्येक मनुष्य को नारीवाद को समझना होगा, क्योंकि हमें हमारे बचपन से ही ऐसा शेप किया जाता है कि हम महिलाओं के प्रत्येक काम पर संदेह करें। भारत में आज भी हम जब भी किसी महिला को कार चलाते देखते हैं तो हम संदेह करते हैं कि यह महिला कार कैसे चला सकती है। आज भी अगर हम 21वीं शताब्दी में और मंगल पर जाने की बातें करते हैं और ऐसी ही विचारधारा रखते हैं तो हम में और आदि मानवों में क्या अंतर रह जाएगा। अगर हमें हमारे समाज से यह विचारधारा पूर्ण रूप से हटानी है तो हमें हमारे बच्चों को नारीवाद से जुड़ना सिखाना होगा। महादेवी वर्मा का यह कथन काफी प्रेरणादायक है, जिसमें वह कहती हैं, हमें न किसी पर विजय चाहिए, न किसी से पराजय, न किसी का प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व, केवल अपना वह स्थान चाहिए, वह स्वत्व चाहिए जिसके बिना हम समाज का उपयोगी अंग बन सकेंगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें भूत प्रेत आखिर दिखाई ही क्यों देते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप चैनल से जुड़े कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।